आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक हीटर को 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज पर वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में दिया गया है विक्रय मूल्य, लिख लेते हैं यहाँ पर विक्रय मूल्य 840 रुपये, परसेंटेज हानि कितना दिया गया है 4, ठीक। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है हीटर का हमें, तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, माना हीटर का क्रय मूल्य 1 रुपए है, ठीक। तो परसेंटेज हानि दिया है, परसेंटेज हानि का फार्मूला लगा देंगे, परसेंटेज हानि बराबर होता है कुल हानि गुणे सौ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना है x, 4x, सौ गुणा में अपान में आ जाएगा, बराबर कुल हानि, ये कुल हानि का मान आ गया, ठीक। अब कुल हानि का फार्मूला क्या होता है? कुल हानि बराबर होता है क्रय मूल्य कितना माना है x माइनस विक्रय मूल्य कितना है 840। कुल हानि यहाँ से कितना है 4x, रख देते हैं यहाँ कुल हानि के स्थान पर 4x/100 बराबर क्या होगा x माइनस 840। तो माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो x माइनस 4x/100 इज इक्वल टू 840, ठीक। अब क्या होगा, इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या होगा 100x-4x/100 बराबर क्या हो जाएगा 840। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में से 4 घटाओगे क्या आ जाएगा 96x/100 बराबर 840। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पर 100/5 में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 96x बराबर क्या होगा 840 गुणे 100, और 96 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक, x बराबर यहीं पर काट देते हैं, ठीक। यह क्या हो जाएगा 12×96 और 12×7=84, ठीक। ऊपर 70 का मतलब 70 उधर हो गया, 100 ये, यहाँ पर 7000 बचा ऊपर, नीचे 8 बचा। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, क्या कितनी बार जाएगा 8×28=64, ठीक है, 8×28=64 और 64 और 6 60 हुआ, 8×7=56, 56×4=60, ठीक है, तो 8×5=40, 875 रुपये, ठीक है। तो यक्स का मान क्या आ गया 875 रुपये, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यक्स क्या है क्रय मूल्य हमने माना था, ठीक, और हमें ज्ञात करना था क्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज पर वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।